सीनोर तालुका के सेगवा में चल रहे सेवन स्टार इंटरनेशनल स्कूल की वैन चालक ने स्टेयरिंग पे से नियंत्रण खो देने के बाद वैन रोड की साइड में नाले में जाकर गिरी थी। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि इसमें किसी भी छात्र को गंभीर चोटें नहीं आई है। हालांकि जांच में ये पता चला है कि वैन चालक नशे में धुत था। गुजरात सरकार और राज्य शिक्षा विभाग की ओर से राज्य में स्कूल वैन, बस या रिक्शा में होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा के कई कानून बनाए गए हैं। हालांकि इस कानून की अनदेखी करते हुए ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही है। इस वैन में सीनोर के पास आए भेखड़ा और पुनियाद गांव के 5 छात्र सवार थे। जैसे ही ये दुर्घटना वहां पर जाने वाले राहदारियों की ओर से देखी गई, तुरंत ही इन 5 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। हालांकि अब एक जागरूक अभिभावक ने इस मामले को देखते हुए सीनोर तालुका के सेगवा पुलिस स्टेशन में इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। सेवन स्टार इंटरनेशनल स्कूल सेगवा में मारो छोकरो अत्यारे भणे छे अने बीजा घणा छोकराओ हता अने एने ड्रॉप करवा माटे जारे स्कूल वान गई ते टाइमे रस्ता में पलटी मारी गई अने कोई त्राहित माणस है, कोई राहगीर माणस हशे एने फोन करीने कीधुं, अमने जणाव्युं के भाई तमारी आवी रीते छोकरा पलटी मारी गई छे वान, तो अमे लोको त्यां पहोंच्या। त्यां एक छोकरो मोटो हशे ते छोकराए बधा बीजा छोकराओने काढ्या बहार। અમે ત્યાં પહોંચ્યા તો છોકરો જે પેલો જે ડ્રાઈવર છે તે પીધેલી હાલતમાં, પૂરેપૂરો પીધેલી હાલતમાં, એ લોકો ભાઈ કાઢવાની પોઝિશનમાં જ નહોતો। ત્યાર પછી અમે સ્કૂલના પ્રિન્સિપલને ફોન જણાવ્યું કે ભાઈ સાહેબ આવું છે, તો એમને કોઈ કીધું કે ભાઈ ગાડી બહાર કાઢી લો અને છોકરાઓને તો તમે મૂકી આવ્યા છે, એવો એકદમ ઉદ્ધડ જવાબ આપ્યો અને બીજો એક શબ્દ ખાસ બોલ્યા હતા કે થાય તે કરી લેજો એમ।